असल टू आल ऑफ़ यू होप आल वेलकम बैक टू माई चैनल द पॉइम के ब्रील एंडन दैट वटन बाई अमामा मोहम्मद इकबाल इन द फॉर्म ऑफ अ डायलॉग एंड दिस पॉइम इज़ कंसिडर वन ऑफ़ द बेस्ट पॉइम्स इन उर्दू लैंग्वेज एंड आफ्टर रीडिंग द पॉइम वन थिंग माइंड वो चीज़ क्या है आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे किमा इकबाल के अल्फ का चुनाव उनके अल्फाज का इंतबाब और उनके लिखने का अंदाज़ कितना उमदा था हाउ ग्रेट वोस इज़ इमेजिनेशन उनकी इमेजिनेशन कितनी हाई थी सो लेट स्टार्ट द पोइम तो पोइम का स्टार्ट हज़र जब्राई असलाम के डायलॉग से होता है हज़र जब्राई अमाम सटन से, से मुखातिब हैं और उसे कहते हैं हेलो ओल्ड फ्रेंड हाउ गोज़ द वर्ल्ड ऑफ कलर एंड सेंट अहमदम दरीना कैसा है जहान रंगोबू तो आप सबसे पहले देखें कि हज़रत जबरीलीलाम ने इब्लीस के लिए ओल्ड फ्रेंड का वर्ड यूज़ किया है क्यों यूज़ किया है ओल्ड फ्रेंड का वर्ड मतलब ये कि वो उस टाइम को रिकॉल कर रहे हैं कि जब अब्लीस भी जन्नत में ही रहता था जब उनकी दोस्ती हुआ करती थी तो इसीलिए हज़रत जबरीलीसलाम ने इबलीस के लिए ओल्ड फ्रेंड का वर्ड यूज़ किया है तो हज़रत जब्राईल सामलीस से ये पूछते हैं कि इस दुनिया में जिसमें तुम अब रह रहे हो वो दुनिया कैसी है मतलब वो ज़मीनी दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं कि जहाँ पे अब तुम रह रहे हो अब तुम जन्नत से निकाले गए हो दुनिया में रह रहे हो तो ये दुनिया तुम्हें कैसी लग रही है सो so, आगे से ब्रीस क्या कहता है बर्निंग एंड इंटेंस सफरिंग पेन एंड वाउंड कॉन्स्टेंट सिकिंग एंड कॉन्स्टेंस डिजायरिंग सोजो साजो दर्द दागो, जुस्त जुओ आरजू तो आप ये देखें सेटन इसको किस तरह एक्सप्लेन करता है इस वर्ड को वो कहता है कि सोज़ो साजो दर्द दाहो जुस्त जुओ आरज़ू ये सब चीज़ें तुम्हें मेरी इस दुनिया में मिलेंगी तो ऐसा लगता है जब ये वर्ड कहता है जब ये इन फाज का इस्तेमाल करता है तो ऐसा लगता है कि जैसे इबलीस इस मादी दुनिया के हालात पर इजहार अफसोस कर रहा है क्योंकि इसके ये अल्फाज खुशगवार नहीं हैं दैन के प्रस इन एवरी पार्ट ऑफ दवन योर मेन्शन इज़ मेड योर टोन क्लॉट बी स्वीन बैक टुगेदर तो हजरत जब्राई सलाम यह कहते हैं कि हर गरी अफलाक पर रहती है तेरी गुफ्तु क्या नहीं मुमकिन कि तेरा चाके दामन हो रफ़ू तो आप देखिएगा कि हज़रत जब्राही सलाम अबरीस को ये कहते हैं कि हर वक्त आसमानों पर तेरी ही गुफ्तु होती रहती है कि तो पहले कितना इबादत गुजार था अल्लाह ताला के कितना नज़दीक था लेकिन अपने इनकार की वजह से हज़रत आदम सलाम को सचदा ना करने की वजह से इस सरकशी की वजह से तो रसवा हुआ और अपने इस गरूर तकबर की वजह से रांदा दरगाह हुआ रांद दरगाह से मुराद है दरगा खुदाबंदी से निकाला गया इसे मुराद यानी शैतान है और वो कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो गलतियाँ तुमने की हैं जो कुताहियाँ तुमने की हैं जो नाफ़रमानियाँ है तुमने की हैं जो बगावत तुमने की है कि इसका अजाला हो सके कि ऐसा नहीं हो सकता कि जो तुम्हारा दामन फटा हुआ है यानी जो तुमने जब सजदा करने से इनकार किया था तो तुम्हारा दामन फट गया था तो अब तुम अल्लाह तला से माफ़ी मांग लो दोबारा वापस आ जाओ तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है क्या ये तुम्हारा फटा वदामन रफू नहीं हो सकता किसी तरह अगर तुम माफ़ी मांग कर दोबारा वापस आ जाओ तो अब देखिए आगे से शैतान क्या कहते हैं प्लीज रिप्लाइज ओ जबरील यू डोंट हैव सक्सेस टू दिस काइंड ऑफ सीक्रेट आई हैव ऑलरेडी बीन मेड ड्रॉन्ग बाइट एंड माई वाइन ग्लास हैज सिंस ब्रोकन प्लीज कहता है ए जब्रील तू वाकिफ़ नहीं इस रॉ से कर गया सरमस्त मुझको टूट कर मेरा सबू सबू कहते हैं मटके को प्याले को पुराने वक्तों में जब कोई शराब पीता था वाइन पीता था तो वो इसी मटके में पीता था इसी प्याले में पीता था और इसको पीने के बाद वो मटके को प्याले को तोड़ देता था तो क्योंकि वो अपने सेंसेस में नहीं होता था इस वजह से तोड़ देता था तो अब यहाँ पे इब्लीस यही कह रहा है कि मेरी एरोगेंस का मेरे तकबुर का प्याला इतना मैंने पी लिया इतना पी लिया कि वो टूट गया अब मैं अपने सेंसेस में नहीं हूँ इसने मुझे मस्त कर दिया है प्लीसेज नाउ माई रिटर्न टू दिस प्लेस इज़ नॉट पॉसिबल नॉट पॉसिबल तो इब्लीस कहता है अब यहाँ मेरी गुजर मुमकिन नहीं मुमकिन नहीं अब यहाँ पे मेरा गुजारा नहीं है तुम कह रहे हो कि मैं अल्लाह ताली से माफ़ी मांग लूँ और वापस आ जाऊँ जन्नत में दोबारा वापस आ जाऊँ तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा और मैं दोबारा यहाँ नहीं लौटूँगा। हाउ अटर्ली डल इज़ डार्ट वर्ल्ड विद एनी पैलेसेस और स्ट्रीट इब्लीस तंजन ये कहता है कि किस कदर ख़ामोश है ये आलम बेकाहो कूँ इसने जन्नत को जहाँ पर अल्लाह पाक के साथ और जहाँ पर फरिश्ते रहते हैं उसको बेकाहो कूँ करार दिया है वो कहता है कि ये दुनिया बहुत डल है ये बहुत बोरिंग है इसमें रंग नहीं है इसमें पैलेसेस नहीं हैं स्ट्रीट्स नहीं हैं और हर तरफ खामोशी ही खामोशी है हालांकि मेरी इस दुनिया में बहुत चहल पहल है बहुत रौनक है ये बहुत रंगीन है इसीलिए मैं इस रंगीन दुनिया को छोड़कर वापस नहीं आऊँगा इब्लीस सेज द वन हु डिस्प्योर प्योर गेव पैशन टू द वर्ल्ड वट्स बेटर फॉर हिम तकना तो और ला तकना तू। तो इब्लीस कहता है कि जिसकी नाउमीदी से हो सोज़े दरूने कायनात, उसके हक में तकना तो अच्छा है या ला तकना तो वो कहता है कि मेरी मायूसी की वजह से मेरी नाउमीदी की वजह से इस दुनिया में चहल पहल है मेरी नाउमीदी की वजह से इस दुनिया में रौनक है मुझे रानदा दरगाह किया गया और मुझे कहा गया कि इस दुनिया में जाओ और जो चाहे वो करो तो वो कहता है कि मैं इसी में राज़ी हूँ उसके बाद हजरत ज़ब्रैली सलाम कहते हैं यू हैव लो सच हाई स्टेशन थ्रू योर रिजेक्शन इन द आइज़ ऑफ़ गॉड व्हाट डिग्निटी इज़ लेफ्ट फॉर द एंजल्स तो हजरत कहते हैं खो दिए इनकार से तूने मकामाते बुलंद चश्म यजदा में फ़रिश्तों की रही क्या अबरू हज़र जब्रा सलाम अबलीस को कहते हैं कि तेरे इनकार की वजह से जो बुलंद मकामा फ़रिश्तों को हासिल थे तेरी वजह से वो भी खाक में मिल गए तेरी वजह से हमारी इज़्ज़त ख़ाक में मिल गई कि अगर तू बारह इलाही के इतना करीब होकर ये नाफरमानी कर सकता है तो तूने ऐसा करके बाकी फरिश्तों के मकाम व मरतबे को भी नुकसान पहुँचाया है काश तू भी हमारी तरह सचदा कर लेता काश तू भी हमारी तरह सजदा कर लेता लेकिन नहीं तेरे इनकार की वजह से हम सब शर्मिंदा हैं देन इब्लीस रिप्लाइज इट इज़ ड्यू टू माई बोल्डनेस टेस्ट अ पीस ऑफ डर्ट गेंट अ पोटेंशियल टू ग्रो इट्स माई मिसचिव दैट वेव टूगेदर द वेरी कारन ऑफ मैंस थाट इब्लीस कहता है मेरी जरत से मुश्ते खाक में जोके नमू मेरे फितने जामाए अकल खिरत का तारकूँ मुशत ख़ा मुशत खाक मतलब मुठ् भर खाक तो असल में यहाँ वो इंसानों की तरफ इशारा कर रहा है वो कहता है कि मेरी जुर्रत से मेरे इनकार करने की वजह से इस जहाँ में आगे बढ़ने का शौक़ पैदा हुआ अगर मैं इनकार ना करता तो ये मुठी भर लोग ये कभी भी आगे ना बढ़ पाते तो इंसान ने आज तक जो मुकाम मरतबा हासिल किया वो मेरी वजह से ही किया है और इस दुनिया में जो भी हो रहा है जितने भी फितने फसाद हो रहे हैं उन सबका ज़िम्मेदार मैं हूँ मैं उन फितनों का ज़िम्मेदार हूँ इब्लीज़ ऑल यू डू इज वॉच द बेटल बिटवीन गुड एंड इवल फ्राम द कम्फर्ट्स ऑफ द शोर बट हु इज़ इट डेट मज़ सफ़र द कॉन्स्टेंट पाउंडिंग ऑफ द स्ट्रॉम्स यू एंड आई तो इब्लीस ज़ुब्राई सलाम को कहता है कि देखता है तो फ़क्त साहिल से रस्म खैरों शर कौन तूफान के तमाचे खा रहा है मैं कि तू वो कहता है कि ए जबरील तू तो सिर्फ साहिल पर खड़े होकर ये देख रहे हैं ना ये तमाशा देख रहा है तुम तो दूर से ये सब चीज़ें देख रहे हो दूर से ये खैर और शर के दरम्या जो लड़ाई है देख रहे हो जबकि मैं तो इस दुनिया में ही हूँ और मैं तुम्हारी तरह इन चीज़ों को दूर से नहीं देख रहा देन ए सेज खिजर इज़ हेल्पलेस बिफोर मी इलियास इज़ हेल्पलेस बिफोर मी माई स्ट्राम स्ट्राइक ओशन बाई ओशन रिवर बाय रिवर स्ट्रीम बाय स्ट्रीम तो प्लीज कहता है कि खजर भी बेदस्तो पा इलियास भी बेदस्तो पा मेरे तूफान यम बयम दरिया ब दरिया जू बजू यहाँ वो अपनी ताकत का इजहार करते हुए कहता है कि मैं इतना ताकतवर हूँ कि खजर और इलियास ये दोनों ही मेरा मुकाबला नहीं कर सकते खिज़र हजर खजर जिनके बारे में मशहूर है कि उन्हें अबदी ज़िंदगी अता की गई है और हज़रत इलियास जो कि लोगों को सीधा रास्ता दिखाते थे इस्लाम का रास्ता दिखाते थे तो शैतान कहता है कि मैंने यहाँ आकर जो फितने भरपा किए हैं हज़रत खजर और हज़रत इलियास वो सब इनके सामने बेदस्तोपा हैंपलेस हैं बेबस हैं हर तरफ मेरा ही शर है देन देने सेज इफ़ यू एवर फाइंड योर सेल्फ़ इन हार्ट सॉलीट देन आस्क गॉड दिस ब्लड फ्यूज्ड कलर इनटू द स्टोरी ऑफ़ मैन तो इबलीस कहता है घर कभी खलवत मुयसर हो तो पूछ अल्लाह से किस्साए आदम को रंगीन कर गया किसका लहू तो वो फिर तंजन रिमार्क्स देता है सार्केस्टिक रिमार्क्स देकर कहता है कि अगर तुम्हें कभी खुदा से बात करने का मौका मिले अगर तुम्हें खुदा से अकेले में बात करने का मौक़ा मिले तो उनसे पूछना कि इस कायनात में जो रौनक है इस कायनात में जो रंगीनियां हैं इस कायनात में जो जो शर हो रहा है उन सब की वजह कौन है वो किसके दम से है वो सब मेरे ब्लड शेड की वजह से ही है ये उसी के बाद हुआ कि जो मैंने इनकार किया उसके बाद हजरत आदम को जन्नत से निकलवाया फिर अम्मा हवा आईं और उसके बाद बाकी जो जो कुछ हुआ और ये सब शुरू किसने किया ये मैंने ही किया इसका मतलब ये है कि अगर मैं ना होता अगर मैं इनकार ना करता अगर मैं नाफरमानी ना करता तो ये दुनिया ही ना होती तो ये दुनिया मेरे दम से हैं इस दुनिया की रंगीनियाँ मेरे दम से हैं तो एंड पे ब्लीज़ कहता है आई प्रिक हार्ट ऑफ गॉड लाइक अ थॉर्न कि मैं खटकता हूँ दिले यस्ता में कांटे की तरह वाइल यू मेअर् शाउट अल्लाहू अल्लाू जबकि तू सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह कहता है तो वह फिर तंजन कहता है कि मैं जो इतना बुरा हूँ मैं जो शर का नुमाइंदा हूँ तो मेरे लिए बहुत फ़्र की बात है कि अल्लाह मुझे याद करता है वो मुझे याद करता है जबकि तू तो नेकी का नुमाइंदा है और तू अल्लाह को याद करता रहता है हर वक्त लेकिन अल्लाह किसको अल्लाह मुझे याद करता है उसके दिल में मैं हूँ उसके दिल में मैं खटक रहा हूँ तो ये मेरे लिए बहुत फ़्र की बात है सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोइम आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोइम वेरी वेल सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई चैनल सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स थैंक यू अल्लाह हाफिज़